क्या होता था अभी दर्द है स्टेट चलो गठिया भाई बताइए खड़ी हो खड़ी हो पीछे क्या नाम है तेरा सविता बोल हे शनि महाराज मैं सविता आदि दे आदि बेटे इसकी तेरे दर पे आई हूँ हे शनि महाराज मेरा कल्याण करो मेरे शारीरिक दर्दों को मूल सहित मर्दन करो हे शनिदेव महाराज मुझे भारत के एलोपैथी के डॉक्टर से बचा लो हे शनिदेव महाराज वो मुझे पूरे जन्म भर जीवन भर दवाई खिलाने वाले हैं हे शनिदेव महाराज मेरी इलाज रखो मैं आपके शरणागत हूँ हे शनिदेव महाराज मुझे गठिया भाई नाम का रोग बताया है हे शनिदेव महाराज मेरे दर्द बढ़ते ही जाते हैं हे शनिदेव महाराज किसी भी डॉक्टर से मेरे दर्द आज तक आधे नहीं हुए हैं मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक है रोज बढ़ता ही जा रहा जरा सा ठीक हो मुझे भारत के डॉक्टर में हंसी आ रही है कहाँ से पढ़ गया है अमरीका से क्या पढ़ गया है भाई लंदन से पढ़ गया है अरे घर में पढ़ लेता है एक प्रेत होता है वो शरीर में धस जाता है वो दुनिया भर के रोग पैदा कर देता है ये पढ़ना भारी पड़ा 12 साल तक भगवान की भक्ति भारी पड़ी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के नवाब बन के आया है और जहां से आया वे सबके शैतान निकाले वे भारत वालों के प्रेत निकाल रहे शैतान बना के और कह रहे हैं देखो इसका पेट ठीक हो गया इसकी गांठें ठीक हो गई इसका ये ठीक हो गया मनु भैया ठीक कर रहे हैं कुछ नहीं और बता के वैज्ञानिक विधि से कि आ जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ बैठा हुआ प्रेत इसके अंदर और मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा तब बस समझ में नहीं आता अब पढ़ के कहाँ से आया भाई अमरीका से पढ़ गया हमें शैतान निकालने लग रहे हैं ठीक है भारत वालों के भी और फिर कह रहे हैं तुम्हारे देवताओं से कुछ नहीं होगा तुम क्रिश्चियन बन जाओ क्या बन जाओ आधा पंजाब बढ़ा दिया आधा पंजाब बना दिया पंजाब में एक से एक पड़े हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह एक आदमी आया मेरे पास मैं बोला भाई तू आया कहाँ से बोला मैं तो वहां से आया मैं बोला भाई तेरे को ठीक करने की गारंटी थी बोला ठीक करने की गारंटी इतना हल्दी पर क्यों जरूर गई अगर अपनी तस्वीरें दे फैक ना अरमोद ले एक बार बपतिस्मा करा ले बपतिस्मा करा कमाल की बात है भाई देखो है तेरे की और अपने पढ़ लिख के कहाँ से आ रहे हैं वहां से जिनकी शिक्षा और संस्कार हमारे से धूमिल है ठीक है अरे जो रद्दी कागज से भी रद्दी है वे अंग्रेज आगे ना उनकी शरण ली है तुमने हैं जो तुम्हारे पे तुम ही लड़ा लड़ा के कब्जा कर गए मूर्खो अपनी पत्नी को भूलते हो अपनी न्याय प्रक्रियाओं को भूलते हो यार राजा विक्रम से बड़ा न्यायकारी राजा कदापि हुआ नहीं जिसके नाम से विक्रम संवत चलता है अपनी धाराएं क्यों छोड़ते हो भाई कुछ नहीं रखा है यूं आने जाने में छोटा सा जीवन है भगवान की भक्ति कर लो बोलो जय शनिदेव जय शनिदेव और कुछ नहीं सीख के आए तुम तुम्हारा सीखा पंडा यहाँ शनि धाम के दरबार में निकल रहा है तुम क्या क्या सीख के आए हो कितनी डिग्रियां है इस भारत के डॉक्टर के पास कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है हमने पिछले 6-7-6 महीने में कोई हॉस्पिटल वाला नहीं छोड़ा है कि किसी हॉस्पिटल से कोई आदमी आया उसको आराम ना पड़े हो और इतने हॉस्पिटल वाले हैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इतने नामी गिरामी उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए अगर मनु भैया की वीडियो देख ले पहुंचाओ ना उनके हलक में ये देखो भाई तू कहां से पढ़ के आया कौन सी डिग्री लेके आया ये भारत का प्रेत है ये तेरा ही चाचा फूफा ताऊ नाना दादा है जो अंदर घुसा हुआ है हैं अपनी पोत खराब कर रहे हो बिना बात के अरे भाई प्रेत होता है मान लो बच जाओगे तुम्हारे जीवन बच जाएंगे मनु भैया को भय नहीं है जैसे कबीरदास जी को भय नहीं था उस टाइम में ऐसे मनु भैया को भय ना मरने से डरते आत्मदर्शी हैं स्वात्मदर्शी हैं भगवान के दर्शन किए हुए हैं फिर डर काएगा कोई डर ही नहीं है हमें हमने जो करना था वो कर लिया अब डर है ही नहीं हम मरे जिए चाहे चाहे शरीर को बार बार क्यों ना दफना दिया जाए काट दिया जाए फेंक दिया जाए मनु भैया को भय नहीं है हमने तो जो करना था वो कर लिया लेकिन तुम्हें दिखा दिया भारतवासियों कि तुम अगर प्रेत को मान लोगे तो उसके उद्धार की सीमा भी मिल जाएगी तुम्हें उसके रास्ते भी मिल जाएंगे निकालने के तुम्हारी करोड़ों बीमारियां ठीक हो जाएंगी करोड़ों कितनी करोड़ों लाखों नहीं हाँ दर्द है अभी है
तो प्रार्थना भी तो पूरी नहीं है। बोल हे शनिदेव महाराज, मेरे दर्दों का मूल सहित नाश कीजिए, इसका बल बाहर निकाल दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी सदा आभारी रहूंगी, अपनी शरणागति दीजिए। चल अब चल चल, पैर से ऐसे चल ऐसे, हाँ मार 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 जमीन पे, थोड़ा ऊपर ऊपर ठा, थोड़ा थोड़ा करते करते चला जाएगा। आंखें बंद कर, जय शनिदेव बोल, जय शनिदेव, सब जोर से बोलो भाई, सारे बोलो भाई, मिलकर बोलो, आवाज ना आई जरा बोलो भाई, सरदार ने बोला जय शनिदेव, जय शनिदेव, मिश्रा जी बोले जय शनिदेव, जय शनिदेव, शिव योगी बोले जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, वचन निभालो मुझे बचा लो, सब दर्द निकालो, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, कर तेरी सेवा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो जय शनिदेव, 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 हाँ क्या हो रहा है, दर्द से फट रहा है? हाँ। अभी कहाँ दर्द है? अभी है? हाँ। कम हुआ कुछ है? नहीं, बहुत है। देखो पैर दिखाना कितना सूजा हुआ है। मेरे पास कौन सी बार आए हो? अभी तो फिर आना है, आओ दिखाओ, यहाँ दर्द है, हड्डियों में भी दर्द है, हड्डियों में भी दर्द, यहाँ भी है, क्या बोल दे, जय शनिदेव, कहाँ है ऊपर नीचे कर ऐसे कर, कहाँ है, अरे कहाँ है, है है है, कम हुआ कुछ, यही 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 यही, देखो हल्का हो गया, और कहाँ है, इसमें ही है, अच्छा घुटने में भी है, डॉक्टर ने क्या बताया है, कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ना? तो होम्योपैथी का भी तो डॉक्टर होता है, होम्योपैथी वाले भी बोले क्यों, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको दवाई खाओगे तो रिलीफ मिलेगा, यही बोले, कहाँ दर्द, हल्का हल्का लग रहा है, कुछ या ज्यादा, अच्छा तो दर्द कहाँ है, तालियां बजा दो भाई, में भी है, और कहाँ है दर्द, इसी पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा शीशा कर, अब गया 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 गया, ओ बोल जय शनि, देखिए कहाँ दर्द, सांस आएगा,
पूरे तुम तो मैं चले तुम करा दे अब है कितना कम हो गया आधा निकल गया आधा भी बाहर निकलवा लेना ठीक है। कहाँ से आइए जो तुम नजदीक ही है चल तो चल चल अभी चल चल दोबारा आइए दोबारा ना।